हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फ्राइडे है और मेरी आँख हल्की सूजी है अभी भी। कैन सी यहाँ से? ठीक है, चलता है कि फ़र्क पड़ता है, आँखें तो हैं। बस यहाँ से है, दर्द नहीं है मुझे और ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं है कि बोलूँ कि हाँ बहुत दर्द हो रहा है, इससे कुछ हो रहा है। अभी कुछ भी नहीं हो रहा है फ़िलहाल इससे, बस ये है कि ये है, दिख रही है, विजिबल है, ये है, इतना है। और मेरे को पता है 3 घंटे से जाना है थ्रेडिंग बनवाने। मेरी स्कूटी में पेट्रोल नहीं है तो मेरे को लगा चलो वॉकिंग डिस्टेंस पे है पार्लर, तो मैं वॉक करते हुए चली जाऊँगी। बट 3 घंटे से कंटिन्यूसली बारिश आ रही थी और अब बारिश का जो मौसम है वो हल्का सा खुला है। और पता नहीं क्यों बारिश आ रही थी, पता बस से बारिश आ रही थी और अब मौसम खुला है। और अब मेरे हस्बैंड खाना खाने आएंगे तो मैं सोच रही हूँ कि उनसे बोलूँगी कि 5 मिनट रुक जाओ, थ्रेडिंग में मेरे को ज़्यादा टाइम लगता है। मेरे जो हेयर्स है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और मेरी थ्रेडिंग इतनी ग्रो भी नहीं होती, आप देख सकते हो, ज़्यादा है नहीं मुझे बाल थ्रेडिंग में। सो फिर मैं वहीं पर जाऊँगी। मेरे को एक नेल पेंट रिमूवर भी ख़रीदना है, मेरा रिमूवर ख़त्म हो गया, रिमूवर ख़रीदना है। और कल मैं बिंदी भूल गई थी और मेहंदी लेके आनी है मुझे, मुझे 2-3 सामान लेके आने हैं तो मैं यहीं से लेके आऊँगी। इसके बाजू में कॉस्मेटिक की शॉप भी है तो वहाँ से जो बच गया है, लाइक बच ही जाता है कुछ ना कुछ। और सोच रही हूँ और कुछ तो नहीं बचा है, ऑल्दो मैं बहुत कुछ जो है वो सब कुछ आ चुका है बट हाँ। और मुझे करवा लेना है, करवा पता नहीं कब लूँगी, छन्नी लेनी है, करवा लेना है और वो सीखे होती है ना जो, वो लेनी है। तो देखती हूँ कहाँ से मिलती है वो। वैसे यहाँ बेचने वाला आ जाता है, वो आया ही नहीं, मुझे लेनी थी, आया नहीं है। मैं कहीं से लूँगी जो यहाँ बैठते हैं, तो देखती हूँ कहीं से लेती हूँ अभी जाते टाइम ही अगर मिल जाती है। और करवा चौथ माता की पोस्टर लेना, पोस्टर आता है उनका, तो मैं पोस्टर किताब मेरे पास है और कथा कथा पढ़ने के लिए। सो चलिए। हाय आईज, मैं भी जाने वाला था पार्लर पर मैं गया नहीं पार्लर। क्यों जा रहे थे तुम पार्लर? मैं पार्लर जा रहा था, मैं पार्लर जाने की सोच रहा था पर मेरी थ्रेडिंग बल गई है, ये वाली थ्रेडिंग बल गई है। ये वाली थ्रेडिंग अभी छोटी है तो ये वाली थ्रेडिंग को मैं इचके बराबर करना चाहता था। और मेरी मुच्छी भी आ रही है यहाँ पे, ये मेरी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इनको भी थोड़ा ट्रिम कराना है मुझे, तो ट्रिमिंग भी हो जाएगी और पार्लर मैं भी करा दूँगा। और कुछ बस इतना ही सारा काम था, पर अब देखता हूँ बालिश थोड़ी सी लुकी है तो जा रहा हूँ मैं भी। अब किसके साथ जाओगे तुम? मेरे फ्रेंड आने वाले हैं और मैं थोड़ी स्पा भी कराऊँगा अपनी बॉडी की। हेड स्पा तो सबसे पहले बोलूँगा, हेड स्पा तो कर दो, हेड स्पा तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखो कोई बुला रहा है तुम्हें, देखो कोई बकरियाँ आई हैं, बोझो वो तो बकरियाँ जा रही बहुत सारी, बोझू तो बहुत सारी बकरियाँ जा रही हैं। ओ माय गॉड, मेरी आगे कहीं और भी प्लेस हो रही है ऐसा लग रहा है मुझे, देखना। नहीं सही है वो, मैं देख उस डायरेक्शन मेरी, वो डर लग रहा था, अब सही है ना? लग रहा है कहीं और जा रही है। अब मेरे को गेट रेडी विथ मी भी शूट करना है, पर मैं कुछ ऐसा जुगाड़ लगाऊंगी कि सोचना पड़ेगा। अब सोचिए ये एक और मेकअप ट्यूटोरियल रहेगा जहाँ पे जब आपको इस तरह का कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको मेकअप किस तरह से करना चाहिए। हाँ यार, इस चीज़ों पे कोई कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है, इन चीज़ों पे कोई भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है कि जब आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है तो आपको मेकअप किस तरह से करना चाहिए। मुझे खुद नहीं मालूम है कि कैसा करना चाहिए। मैं हूँ थ्रेडिंग बनवाने और मैं पार्लर ऐसे जाती हूँ मैक्सिमम, चाहे ये होती है नहीं होती, मैं पार्लर इसी तरह से जाती हूँ। पार्लर कोई तैयार होकर जाता है? अरे कोई पार्लर तैयार होकर जाता हो तो? हाँ यार, पार्लर जाके तैयार होता है, पार्लर जाके। हाँ जो जिसका जैसा पर्पस। ठंड है आज बाहर, यहाँ का मौसम तो ऑसम है, ऑसम। यस, अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ का, पता है बारिश हो गई फाइनली, इतनी गर्मी हो रही थी इसलिए। डिंक चिका, डिंक चिका, डिंक चिका, ये रेडी देख रहे थे हम लोग दोपहर में, अक्सर आधे या एक घंटे की पिक्चर देखते हैं खाना खाते हुए, वो भी इनकम्प्लीट क्योंकि सारी देखी हुई रहती है ऑलरेडी। राजा मैं तो दोपहर में जाने वाली थी पर बारिश हो रही है, पी के रेडी, पता नहीं कितनी भीड़ होगी वहाँ पे, मेहंदी कौन भी रहने वाले। So are you ready? मेरे राइट हैंड में, एक्चुअली मैं लेफ्ट में लगा लूँगी,
राइट में ये लगाएंगे। एक्चुअली में पहले हम लोग एक्चुअली में क्या हम हमेशा जाते हैं वहाँ लगवाने, पर ये होता है कि मुझे ठंड लगती है वहाँ से आते हुए, मुझे अक्सर सर्दी हो जाती है। अगर मेहंदी इसलिए मैं बहुत रेयरली लगाती हूँ, पता नहीं मेहंदी के कारण मुझे सर्दी होती है। तो अलग पता नहीं क्यों, कुछ है क्या कारण मुझे नहीं मालूम, पर ऐसा होता है कि मेहंदी के कारण मुझे सर्दी खांसी हो जाती है 10 में से 8 बार। यही है और क्या, 10 में से 8 बार। हाँ तो मेहंदी से एलर्जी है आपको, आई डोंट नो, हो सकता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि घर ही में लगाऊंगी, कल मैं खाना बना के रखूंगी, पहले हस्बैंड जी परोस देंगे और राइट हैंड में लगाएंगे। राइट हैंड में तुमने एक बार लगाई थी, ये वो लगाते हो गोल गोल बिंदी वाली, देख के लगा देंगे इस बार। हाँ तो कल परसों मतलब क्या जिस दिन करवा चौथ है उस दिन बहुत अच्छा ब्लॉग आने वाला है, तो वो जरूर देखिएगा इनकी मेहंदी वाला, और करवा चौथ का ब्लॉग तो है ही। यहाँ पे तीजा भी बनाते हैं लोग और करवा चौथ भी बनाते हैं लोग। तीजा हम लोग क्या नहीं बनता है, मतलब जो मेरे इन लॉज के यहाँ पे भी करवा चौथ बनता है, मेरी मम्मी के यहाँ पे भी करवा चौथ बनता है। थ्रेडिंग हो गई है मेरी, अब मैं करने वाली हूँ ब्लीच। पार्लर में इतनी भीड़ थी, मैंने कुछ जुगाड़ लगाया, मैंने बोला कि बस मेरे को थ्रेडिंग करवानी है, सब फेशियल वगैरह आप समझ सकते हैं, अगर वो लोग कराने बैठते तो मुझे तो घंटों लग जाते। फिर मैंने बोला सिर्फ मुझे थ्रेडिंग बनवानी है और बस मेरी थ्रेडिंग बनवाओ, मैं जा रही हूँ। और मैंने थ्रेडिंग बनवाई है, बस फोरहेड नहीं कराया है, अपर लिप्स नहीं कराए हैं। सो गाइस आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आप थ्रेडिंग करा रहे हैं उसके बाद ब्लीच मत कराइए, रूटीन ये फॉलो करिए कि पहले ब्लीच करा लीजिए फिर थ्रेडिंग कराइए फिर फेशियल कराइए, क्योंकि आपके जो पोर्स रहते हैं थ्रेडिंग के कारण वो खुल जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होंगे, मतलब दर्द जलन होगी और जल जाएगा वो हिस्सा। तो मैं यहाँ से ब्लीच लगाऊंगी, इसलिए मैंने फोरहेड नहीं कराई और अपर लिप्स नहीं कराए, और यहाँ से क्योंकि वो सब मैं खुद कर लूँगी। तो अब मैं यहाँ पे ब्लीच करने वाली हूँ और फिर मैं करूँगी फेशियल, और फेशियल आई थिंक मैं पर्ल फेशियल ही करूँगी VLCC का, क्योंकि अभी मेरे पास वही अवेलेबल है, और एक अरे लोटस भी है मेरे पास और एक और भी है, 3 है मेरे पास, तो मैं पर्ल करूँगी। या तो जल्दी से मैं ब्लीच घोलती हूँ। तो आज हम करेंगे करवा चौथ की तैयारी, और मैं कुछ और सामान भी ले आई थी कल, मैं ये 2 बिंदी के पैकेट लाई हूँ, मैं 2 बिंदी के पत्ते, ये है पूरी कलर वाली बिंदी, इसमें सारी कलर की बिंदी है और मुझे जो कलर चाहिए था वो भी है इसमें, और ये है नग वाली बिंदी जिससे मैं कुछ करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, और 2 कोन लाई हूँ, मुझे कोन थोड़े एक्स्ट्रा ले आने थे मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं मंगवा लूँगी। तो ये 2 कोन लाई हूँ मैं, प्रेम दुल्हन बहुत पुराना ब्रांड है नहीं, प्रेम दुल्हन के 2 कोन, मुझे ब्लैक वाला मिला नहीं, एक ब्लैक वाला भी आता है उससे आउटलाइनिंग के लिए बहुत अच्छा आता है, वो कल मैं गई थी वहाँ मिलता, और एक मुझे मैं लेके आई हूँ नेल पेंट रिमूवर, और ये पैड वाले हैं। सो बस इतना सामान लाई हूँ मैं, और अब करती हूँ मैं काम। मेरे हस्बैंड अभी तक ऑफिस नहीं पहुँचे, शायद वो डीजल डलवाने चले गए, उनकी दोनों फ़ोन ऑफ हैं, और उनका जो ऑफिस में काम करता है लड़का वो मुझे कंटिन्यूसली कॉल कर रहा है, क्योंकि लोग बैठे हुए हैं और मैं कब से कैमरा चेक कर रही हूँ पर वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं। वो ऑक्सी ब्लीच, और ये मेरे को सूट होती है, तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, मेरी काफ़ी सेंसिटिव स्किन है, मुझे बहुत ज़्यादा लाल लाल वो पड़ जाते हैं अगर, तो मैं यहाँ का एरिया बहुत कम वो करती हूँ, मुझे यहाँ पर ओपन पोर्स हैं ऐसे बहुत ज़्यादा वाले नहीं, पर मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इरीटेट करती है ब्लीच, तो जल्दी से मैं ब्लीच लगाती हूँ उसको, आप उसके बाद आपको अपना भूत वाला चेहरा दिखाती हूँ। सो ब्लीच मैंने लगा ली है, आप देख सकते हैं ये एरिया मैंने छोड़ दिया, आईब्रो वाला एरिया मैंने छोड़ दिया, और बाकी सब जगह पे मैंने लगा ली है। अगर आपकी स्किन थोड़ी इरिटेट होती है, सपोज़ करिए कि आपकी स्किन इस पोर्शन से इरिटेट हो रही है, तो टिश्यू लेके क्लीन कर दीजिए, अदरवाइज़ रेड कलर का मार्क पड़ सकता है, ऑल दो आप आइस यूज़ कर सकते हैं, और इन केस आपको बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है तो प्लीज़ मत खुजाइएगा, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगी और वो एक गंदा सा मार्क बना देगी आपकी स्किन पे। तो अगर आपको इरिटेशन हो रही है तो ब्लीच रिमूव कर दीजिए, क्योंकि फिर तो आप बहुत ओवर सेंसिटिव हो, और ब्लीच के साथ पंगा लेना इज़ नॉट गुड मेरे माने तो, क्योंकि मेरी स्किन कहीं कहीं से रेड निकलेगी, क्योंकि मुझे पता है मेरी स्किन कहीं कहीं से रेड आएगी ही, आप देख सकते हैं यहाँ से अभी तक रेड हो रही है, ये देखिए। हाँ सो ऐसे अगर आपको कहीं पे इरिटेशन होती है तो हटा दीजिए, रब मत करिए, क्योंकि ये रेडनेस है ये आइस से कूल डाउन हो जाएगी, बट अगर आप उसे ईचिंग कर देंगे उस पर या उस पर खुजली कर देंगे ना, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वो बिल्कुल मत करिएगा। सो चलिए वेट करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ।
सो ब्लीच मैंने कर ली है और मैंने 5 मिनट में ब्लीच निकाली है क्योंकि मेरी स्किन सुपर सेंसिटिव है, रेडनेस हो जाती है मुझे ब्लीच करने के बाद, और जो मेरे मार्क्स हैं मतलब जो मेरे पिंपल्स हैं वो थोड़े से पिंपल्स नहीं हैं ये मार्क्स हैं पिंपल्स के, वो थोड़े ज़्यादा फोकस होने लगते हैं क्योंकि जो आपकी स्किन होती है वो क्लीन हो जाती है। और मैंने अभी आइस लगा ली है इस पर और कम से कम आधे घंटे में अपने आप डिसअपियर हो जाएंगे। अभी 15-20 मिनट के लिए ब्लीच मत लगाइए, वरना अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो उसे 15-20 मिनट्स तक बिल्कुल मत लगाइए, और पार्लर तो बिल्कुल मत जाइए ब्लीच कराने, क्योंकि अगर आपकी स्किन मेरी तरह है तो मेरी स्किन बिल्कुल नहीं झेल सकती ब्लीच को ज़्यादा टाइम तक। आई थिंक मैंने ब्लीच लास्ट टाइम कब अप्लाई करी थी, जब मैंने ब्लीच रिलेटेड ही एक ट्यूटोरियल किया था आई थिंक कि ब्लीच किस तरह से करते हैं, वो आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा मेरे चैनल में। तो अब मैं ये क्रीम लगा रही हूँ पोस्ट ब्लीच क्रीम, और उसके बाद जब ये रेडनेस चली जाएगी, और रेडनेस चली जाएगी डरिए मत, ये मेरी स्किन पर हमेशा होता है ऐसा, मेरे को कोई भी चीज़ इसलिए मैं पार्लर में फेशियल भी नहीं कराती मैं, ज़्यादा से ज़्यादा कभी साल में एक बार क्लीनअप कराना हो वो भी तब, मैं पार्लर वाली पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकती स्किन को लेके, क्योंकि आपकी स्किन है आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता। सो अब मैं एक क्रीम लगा लेती हूँ जल्दी से, मैं लगा ली है, अब मैं कम से कम 1 घंटा जब तक ये रेडनेस नहीं चली जाती तब तक मैं फेशियल नहीं करूँगी, क्योंकि स्क्रबिंग में स्किन इरिटेट हो सकती है, तो पहले स्किन को थोड़ा टाइम दीजिए ब्लीच के सदमे से उभरने के लिए, और उसके बाद हम लोग करेंगे फेशियल। इसका मतलब ये है कि आज मैं अपने आप को स्किन रेडी कर रही हूँ फेशियल के लिए, मतलब करवा चौथ के लिए, तो आज स्किन रेडी हो रही है मेरी, क्योंकि जो भी मार्क्स ऐसे रहते हैं कभी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट भी हो जाते हैं, तो आपको क्या होता है ना 2 दिन पहले करिए फेशियल वगैरह ब्लीच वगैरह, कई बार ऐसा रहता है कि आप एंड टाइम में कर रहे हो उस टाइम आपकी स्किन बर्न हो जाए, तो ब्लीच तो अवॉइड करिए अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, मेरा कहना ये है। तो जस्ट मैंने फेशियल करना शुरू किया है, आप देख सकते हो रेडनेस चली गई है, और मैं कर रही हूँ लोटस वाला फेशियल, और इसका भी मैंने डाल के रखा हुआ है फेशियल ये वाला भी, अपने वीडियोज़ में मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, तो मैंने जस्ट इसका फर्स्ट स्टेप फॉलो किया है। अब मैं अपने वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को निकालेंगी। सो आप देख सकते हैं मेरी स्किन काफ़ी क्लियर लग रही है, मैंने मसाज क्रीम तक कर लिया है फेशियल, और अब मैं लगाने वाली हूँ फेस पैक, और इस तरह से हमारा फेशियल भी हो जाएगा ख़त्म। फिर मैं नेल पेंट लगाऊँगी क्योंकि कल मुझे बहुत सारा काम है, मतलब बहुत सारा काम है, क्योंकि मेहंदी वाला एक हाथ मैं लगाऊँगी मेहंदी राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में, और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में मेरे से लगेगी नहीं तो मेरे हस्बैंड जी लगाएंगे, और देखते हैं मेरे हस्बैंड जी इस बार कैसी मेहंदी लगाते हैं। वैसे मैं हमेशा बाहर से लगवा के आती हूँ, बट इस बार मुझे लगा कि मैं थोड़ी अपने आप भी लगाती हूँ। सो चलिए जल्दी से मैं वो लगा लेती हूँ फेस पैक। एक बहुत ही थिन लेयर लगाऊंगी मैं फेस पैक की, क्योंकि फेस पैक मैक्सिमम इसलिए यूज़ किया जाता है फेशियल के बाद, क्योंकि आप स्क्रबिंग करते हो और उसके बाद जो आपके पोर्स रहते हैं वो ओपन हो जाते हैं, इसलिए फेस मास्क लगाइए वरना बाहर से ये चीज़ों के चांसेस बढ़ सकते हैं, इसलिए पोर क्लोज करने के लिए यूज़ फेस पैक। तो मैंने फेस पैक लगा लिया है, अब मैं थोड़ा सूखने का वेट करती हूँ, मेरी स्किन अभी थोड़ी सी चिमरा रही है, हाँ सो मैं थोड़ा सा वेट करती हूँ, उसके बाद से मैं से वॉश करती हूँ, और फिर देखते हैं हमें और क्या प्रिपरेशन करनी है करवा चौथ की, क्योंकि अभी मेरी कल का टाइम, कल तो मैं मेरा पूरा का पूरा बिजी होने वाला है। चलिए सो गाइस नेल पेंट भी लगाई है मैंने, अभी दिखाऊंगी मैं अच्छे से, तो वो जस्ट ड्राई हो रही है, और अब मैं कुछ बहुत ही शॉर्ट हैंड बनाना चाहती हूँ जिससे पेट भी भर जाए और जल्दी बन जाए, क्योंकि तो मुझे उसके बाद जाना है मेकअप ट्यूटोरियल लाइक गेट रेडी विथ मी शूट करने। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं बनाने जा रही हूँ सूजी के ढोकले, और इसको जल्दी से चार्जिंग पे लगा रही हूँ, पता है आपको सारी ड्यूटी करनी पड़ती है। स्किन अब ग्लो कर रही है, ये देखिए ये सो जितना काम हो जाए वो मैं आज कर लूँगी, और जो कल वाला काम है सबसे बड़ा काम है मेहंदी लगाना मेरे लिए। चलिए सो मयंक जी आ गए हैं, हस्बैंड जी आ गए, मेरी सरगी किधर है, वो क्या हुआ, सरगी आज नहीं कल मिलेगी। ओके तुम और क्या क्या मेरे गिफ्ट का है, मेरा गिफ्ट पाइप दे दी तुमने मुझे बस, और लगाई है नहीं भारत गैस की पाइप,
मैंने टमाटर की चटनी के लिए है प्याज और टमाटर रख दिए हैं, सो ये है। और अभी मैं इसमें थोड़ी सी दही मिलाऊंगी और अदरक मिर्ची का पेस्ट और इनो 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 नो फ्लेवर इनो फ्रूट सॉल्ट ये वाला फ्रूट सॉल्ट वाला। अब देखिए मेरी नेल पेंट इसमें भी चमक रही है, देखो मेरी नेल पेंट मैट नहीं है, ग्लॉसी शाइनी है, इन्हें मैट मैट सूझता है। मैट क्या सीख गया सोचिए, मेरे हस्बैंड भी सीख गया कि मैट कुछ होता है। टीवी देख रहे हैं और ये टीवी देख रहे हैं इसलिए हल्ला हो रहा है, और मैं ढोकले बना लिए हैं, बस मैं तड़का लगाऊंगी। और बोजो बैठा हुआ, उसका एक अंडा बॉईल किया है मैंने। तुम क्या खाओगे? मैं अपने अंडे के लिए वेट कर रहा हूँ, टाइम पास चल रहा है मेरा। बोनी चलो अंडी अंडी बन ला है बन ला है बोनी के अंडी। सो ये मेरे ढोकले हैं, बन गए हैं, इन्हें मैंने फ्राई कर लिया है राई में। और ये है टमाटर की चटनी जो मैं जल्दी से डालूंगी इसके साथ खाने के लिए। तो हमारा डिनर हो गया था और मेरी आँखों की हालत फिर भी सही है, आज दर्द वगैरह कुछ नहीं है। और स्किन में फेशियल हो गया, मुंह पे फेशियल हो गया है, नेल पेंट हो गई है, आईब्रो हो गई है, मोस्टली जो वैसा वाला काम था ऊपरी वो हो गया है। अब गेट रेडी विथ मी शूट करना है, और सबसे बड़ी टास्क ये मुझे उस रूम में शूट करना है। पहले मेकअप उठा के लेके जाना पड़ेगा, फिर उठा के लाना पड़ेगा, और अकेले उस रूम में डिश क्या? मेरे हस्बैंड जी ने लाइट लगा दी थी वहाँ पे, तो वहीं पे है, तो इसलिए ना मेरी ग्लैमिगो बॉक्स की हो पा रही, क्योंकि मैं उस रूम में नहीं जा पा रही। कर दोगे? गुस्सा तो नहीं होगा? उसमें क्या, वहाँ तो इको आएगा, दो मिनट लगेगा, कौन सी वाली लानी है? एक्चुअली मैं अगर यहाँ पे होगा तो मैं जल्दी शूट कर लूँगी, क्योंकि वहाँ मेरा डर लगेगा, क्योंकि यहाँ का लॉक करो रात की 2-3 बजे, काइंड ऑफ स्केरी फॉर मी वहाँ पे शूट करना रात में। हाँ खुद सो जाओगे यहाँ पे, अगर मुझे कोई किडनैप कर ले रास्ते में सीढ़ी के बीच में, मैं चिल्ला भी नहीं पाऊँगी। मैं आऊँ? आपको पता है हमें ना कचरा फेंकना था और चमगादड़ घूम रहा है। अरे आई चमगादड़ यार, पेड़ ना यार, सही में जंगल वंगल है क्या? घर नहीं है ये जंगल में बसा हुआ घर है एक। अगर आपको जंगल में बसा हुआ घर देखना है तो हमारा घर जंगल में बसा हुआ है। लाइक हमारे घर में सांप भी आते हैं, हमारे घर में चमगादड़ भी रहते हैं, जस्ट बिकॉज अशोक के पेड़ के कारण। वो अशोक ने अपना पेड़ क्या छोड़ दिया घर में यार, अशोक से बोलो ना तुम, सुनो, हेलो हेलो अशोक से बोलो अपना पेड़ लेके जाएगा यार, नहीं चाहिए अब। अशोक क्यों नहीं आ रहा? तो एक आता था इंसान हंसा रहे मुझे, एक इंसान आता था जो पेड़ को छाट के चला जाता था, उसे अशोक के पेड़ के पेड़ चाहिए होते थे, पेड़ के पत्ते टहनियाँ चाहिए होती। ए वो भी नहीं आ रहा यार अब, पहले वो कम से कम छाट के ले जाता था, मैं वो बोलता था कि ले जाओ, मैं बोलती थी ये भी छाट ले। हाँ यार अशोक से बोलो पेड़ लेके जाया अपना। एक्चुअली पता है वो पेड़ के कारण गिलहरी आके एसी का वो काट गई, चमगादड़ ऐसा लगता है कि अब चिपका। एक बार तो नीचे वाले घर में चमगादड़ आ गया था याद है तुम्हें, जो क्रैश हो गया था फैन से, और फिर मैं असलियत में चमगादड़ की शक्ल देखी। वहाँ लटके भी थे दो। हाँ यहाँ तार पे लटके हुए थे, यहाँ पे बहुत चमगादड़ है, हमारे घर में नहीं है, सबके घर में चमगादड़ ही चमगादड़ होंगे, क्योंकि सबके घर में पेड़ ही पेड़ है। नहीं हमारे घर के मैं तो जा रही, मैं इस आदमी को नहीं जानती। कौन हो तुम? मैं घर जा रही अपने। कौन है आदमी? मैं नहीं जानती। सो हाँ इतना सब कुछ हो गया है, अब आप सोचिए तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, और वो मैं नीचे जाती सपोज करो बीच वाले रूम में, और चमगादड़ मेरे पीछे पड़ जाते तो क्या होगा? हाँ खुद तो भग के आगे लाइट उठाने गए थे चमगादड़ देख के बोल रहे नहीं हो पाएगा मैं जा रहा हूँ, अभी मेरी लाइट लेके आओ तुम, ये तुम्हारे आज तुम खतरों के खिलाड़ी में, सपोज करो तुम खतरों के खिलाड़ी में हो, ठीक है, तुम्हारे आसपास चमगादड़ घूम रहे हैं और तुम्हें लाइट लेके आनी है, बोलो क्या बताओ ना। अबॉर्ट कर दिया पहले तुम बहुत कमज़ोर हो, करण भाई बन गए तुम।
करण भाई के भाई। सो देखती है कब तक लेके आते हैं लाइट, और मैं गेट रेडी विथ मी शूट करती हूँ एक नया तरीका जिसमें मेरी एक आँख कुछ अलग दिखेगी और एक आँख एक बैट का टेरर है घर में, बच के रहना तुम, आओ मैं तुम्हारी मदद कर देती, मैं उससे लड़ूंगी तुम्हारे लिए, बैटमैन से। मेरा हथियार कहाँ है? उसे मारने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा ना, अपने पर्स से मारूंगी मैं उसे। No, 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 no.